हेलो एवरीवन, माय नेम इज रमन लूथरा एंड वेलकम टू बैंक्स एग्जाम टुडे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अकाउंट्स के कमर्शियल लॉस के बारे में, जो आपको एमसीक्यूज आने वाले हैं कमर्शियल लॉ के ऊपर। आज हम अपनी मॉक टेस्ट सीरीज के जो एमसीक्यूज हैं उसका लास्ट लेक्चर है। उसका ये मतलब नहीं हम आपको छोड़ के जा रहे हैं, आप कुछ भी अपनी क्वेरीज को कॉमेंट करो, वी विल ट्राई कि हम आपके सारे क्वेरीज का आंसर कर सके, ठीक है। हाँ, हम आज करते हैं कमर्शियल लॉस के एमसीक्यूज के बारे में बात। पहला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 1। डैश मींस एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। डैश मींस प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस। हम किसी को प्रॉमिस कर रहे हैं कि आप हमारे लिए करो, आप इन रिटर्न आप ये करोगे, मैंने प्रॉमिस करा कि मैं आपको सर्विसेज दूंगा, उन्होंने प्रॉमिस करा वो मुझे पैसे देंगे, ठीक है। हाँ, या सेट ऑफ प्रॉमिस की काफी सारे काम करने हैं। अब हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम एक कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे, इसको अग्रीमेंट बोलेंगे, इसको ऑफर बोलेंगे, इसको कंसेंट बोलेंगे, इसको कंसिडरेशन बोलेंगे। ये हम अग्री कर रहे हैं कि हम आपके लिए काम करेंगे और आप हमारे लिए रिस्पेक्ट में ये काम करोगे, तो इसको अग्रीमेंट बोलेंगे। सर, इसको हम कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है तो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। इसीलिए आपको सारी की सारी डेफिनेशन का मतलब क्लियर होना चाहिए। एक कॉन्ट्रैक्ट है एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, और अग्रीमेंट के बारे में हम पढ़ के आ चुके हैं कि मीन्स एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस। सी है ऑफर। ऑफर के अंदर क्या बोला गया, व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अदर हिज विलिंगनेस टू डू समथिंग और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग। या मैं ऑफर दे रहा हूं कि मैं आपके लिए करूंगा, ये कुछ करूंगा, या एक पर्टिकुलर टास्क को मैं कभी भी नहीं करूंगा। है, ऐसा कैसे होता है कि मैं कभी भी नहीं करूंगा, ये एक ऑफर है? बेटा, जब रिलायंस का डिविजन हो रहा था तो जो मोबाइल का बिजनेस था वो अनिल अंबानी के पास गया था और मुकेश अंबानी को एब्सटेन किया गया था कि आप कुछ साल तक इस मोबाइल के बिजनेस में नहीं आ सकते, टेलीकॉम के बिजनेस में नहीं आ सकते। जैसे ही वो पीरियड खत्म हुआ, रिलायंस बेटे वाला अपना मुकेश अंबानी वाला फटाफट जियो लेकर आ गया। इतने सालों तक वो इस बिजनेस में इसलिए नहीं आ पाया क्योंकि उसको एब्सटेन किया गया था इस बिजनेस में आने के लिए। बात समझ में आती है? हाँ, हम ऑफर को प्रपोजल भी बोलते हैं, इंटरचेंजली भी यूज होता है। सी कंसेंट। बेटे, हामी भरना। टू और मोर पर्सन आर सेट टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। सेम थिंग के बारे में एग्री करते हैं और सेम सेंस के अंदर, ठीक है। कंसिडरेशन, क्विड प्रो क्यू समथिंग इन रिटर्न। हम कह रहे हैं कि भाई कोई काम करेंगे उसके कंसिडरेशन में हमें क्या मिलेगा। अ वैल्यूएबल कंसिडरेशन इन द सेंस ऑफ लॉ मे कंसिस्ट ईदर सम राइट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। मैंने उसको राइट दे दिया, मेरी प्रॉफिट तो यूज कर ले, प्रॉफिट इंटरेस्ट कुछ भी दे दिया, या हम उसको कुछ फॉरबेयरेंस, डेट्रिमेंट, लॉस और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसने सफर की है उसके लिए हम कुछ पैसे दे रहे हैं, ठीक है जी। हाँ, सेकंड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन क्या है। गवर्नमेंट कंपनी, एक कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी कब बोला जाएगा, जब उसके अंदर शेयर्स गवर्नमेंट होल्ड करती है कितने परसेंट, 26, 50, 51, 76 और 90। तो इसका आंसर है बेटे 51। 51 बहुत इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट कंपनी के अंदर शगुन वाला फिगर है। उन्होंने बोला 51 या उससे ज्यादा परसेंट अगर आप होल्ड करते हो, अगर कोई गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलके, या फिर कोई कंपनी जो कि एक गवर्नमेंट कंपनी है वो किसी और कंपनी में 51% अगर शेयर होल्ड करती है तो ये वाली कंपनी भी सेंट्रल, वो मतलब गवर्नमेंट कंपनी बोल दी जाएगी। सर, गवर्नमेंट कंपनी बोलने से क्या फर्क पड़ा? अब बेटे, इसको जो ऑडिट होगी वो सीएजी करेगा, इसके अकाउंट्स को पार्लियामेंट में रखा जाएगा, वो सारी चीजें बेटे होने लग जाएंगी। अब इसके अंदर बेटे आपको कंफ्यूज किस में नहीं होना, ये 50% और 51% की फिगर के अंदर। अगर किसी कंपनी को सब्सिडरी कंपनी बोलना होता है तो उसमें अगर आप 50% से ऊपर शेयर होल्ड करते हो तो सब्सिडरी होता है, और गवर्नमेंट कंपनी के केस के अंदर क्या है, 51% 50.5% है तो गवर्नमेंट कंपनी नहीं बोली जाएगी बेटा। सर, इतना ज्यादा मत बोलो, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3। इन ये बेटा क्वेश्चन आईबीपीएस पूछ चुका है पुराने एग्जाम्स के अंदर। इन जनरल सेंस स्केड्यूल्स आर टेबल और फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड अंडर द एक्ट। पहली जनरल स्टेटमेंट में बोली गई कि जब बड़े से कोई ना कोई एक्ट आता है तो उसके साथ कुछ स्केड्यूल्स और फॉर्मेट दे दिए जाते हैं। है? हाँ, जैसे कोई भी अगर कोई एक्ट आया उसके अंदर कोई पर्टिकुलर कैलकुलेशन के बारे में बात की गई, कोई टाइम पीरियड के फ्रेम के बारे में बात की गई, तो उसके साथ कुछ फॉर्मेट दे दिए जाएंगे। आपको अगर ये चीज को बेनिफिट लेना है या कैलकुलेशन करना है तो इस फॉर्मेट में उसका कैलकुलेशन करो, प्रेजेंटेशन इस फॉर्मेट में करो, ठीक है। हाँ, तो कह रहे हैं कि कंपनीज एक्ट 13 के अंदर कितने स्केड्यूल प्रिस्क्राइब्ड है,
ये क्वेश्चन आया था सेवन स्केड्यूल पर साइड में, हम इससे एक बात आगे लेके जा रहे हैं, आपको हर एक स्केड्यूल का नंबर और उसकी हेडिंग याद होनी जरूरी है। स्केड्यूल नंबर वन मेमोरेंडम एंड आर्टिकल के ऊपर है, स्केड्यूल नंबर टू डेप्रिसिएशन के ऊपर है। सर ये डेप्रिसिएशन के आगे सेक्शन नंबर 123 लिखा है, 123 तो डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अच्छा हाँ, ये डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, यू आर राइट। अब डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड का अगर आप सेक्शन पढ़ोगे तो उसके अंदर बोला है कि आपको प्रॉफिट्स में से डिविडेंड को डिक्लेयर करना है। अब जो वो प्रॉफिट निकलेगा उसके अंदर जो डेप्रिसिएशन माइनस होगा वो स्केड्यूल टू के हिसाब से आएगा। हाँ, तो अब वो स्केड्यूल वहां पे लिखा हुआ है कि स्केड्यूल टू के हिसाब से आपको डेप्रिसिएशन निकालना है और उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसमें से डिवाइड करना है डिविडेंड को। तो इसीलिए इस डेप्रिसिएशन के आगे सेक्शन नंबर 120 से लिखा है। आपको कंफ्यूज नहीं करना कि डेप्रिसिएशन का मतलब ही सेक्शन 123 है, ठीक है? नहीं, स्केड्यूल थ्री हमारे खून में है, बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस साइज जो भी बेटे प्रेजेंटेशन है वो स्केड्यूल थ्री में दे रखे हैं। स्केड्यूल नंबर फोर कोड ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, स्केड्यूल फाइव अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर, स्केड्यूल सिक्स इंफ्रा, स्केड्यूल सेवन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटे CSR। आजकल CSR बहुत चल रहा है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सेक्शन याद करना इंपॉर्टेंट है और CSR का स्केड्यूल याद करना इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ कितना परसेंटेज का आपको CSR करना है, अगर 3 साल के जो आपके एवरेज प्रॉफिट्स हैं उसका बेटे 2% आपको CSR करना होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें कुछ क्लास ऑफ कंपनीज भी हैं कि कितना नेटवर्थ होना चाहिए, कितना टर्नओवर 1000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए तब जाके आपको CSR करना है। बट जो क्वेश्चन आ सकता है बेटे वो 2% में से आ सकता है, इसके सेक्शन नंबर से आ सकता है, CSR के स्केड्यूल के फॉर्मेट से आ सकता है। आगे बताओ। अ स्टिप्यूलेशन विच इज असेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कोई स्टिप्यूलेशन लगा दी गई कि ये असेंशियल है तभी कॉन्ट्रैक्ट हम मानेंगे असेंशियल। अब आपने शार्क टैंक देखा, शार्क टैंक नहीं देखा तो बेटे यूट्यूब पे जाकर देख लो। अब वहां पे जब डील्स को बेटे वो VCs है, अगर कोई डील क्रैक करनी होती है तो कहते हैं कि हाँ हमारी मतलब डील थ्रू है बट इसके साथ एक कंडीशन लिखी है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो पेटेंट है वो आपको पेटेंट मिल जाएगा, यूटिलिटी पेटेंट या कोई भी पेमेंट पेटेंट है वो अगर आपको मिल जाएगा तभी हमारी डील मेटराइज होगी। तो उन्होंने स्टिपुलेशन लगा दी कि हाँ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है बट ये वाली कंडीशन इंपॉर्टेंट है। तो स्टिपुलेशन का मतलब ही कंडीशनल हो गया बेटे, कंडीशन। तो स्टिपुलेशन का बेटे मतलब क्या हुआ, अ स्टिपुलेशन विच इज असेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उसको हम कंडीशन बोल देते हैं, ये होगा तभी कॉन्ट्रैक्ट है। अब वारंटी गारंटी इंडेमनिटी एग्रीमेंट पढ़ते हैं, ठीक है? वारंटी के अंदर क्या बोला गया, वारंटी कोलेटरल बेटे, कोलेटरल खराब हो जाएगा सामान तो हम ठीक करके देंगे। अ वारंटी इज अ स्टिपुलेशन कोलेटरल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब उसका मतलब असेंशियल पार्ट नहीं है, खराब होगा तो हम आपको ठीक है ये ठीक करके दे देंगे, वो कोलेटरल है टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। द ब्रीच ऑफ विच राइजेस द क्लेम ऑफ डैमेजेस, अगर वो बात नहीं हुई, अगर मतलब वारंटी के अंदर उसको ठीक करके नहीं दिया तो जो दूसरी पार्टी वो डैमेजेस क्लेम कर सकती है कि इसने मेरा सामान ठीक करके नहीं दिया, इसने वारंटी दी थी, बट वो कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडेट नहीं कर सकती कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट ही मतलब इनवैलिड हो गया, वो ऐसा नहीं कर सकती, ठीक है? और यही कंडीशन है, कंडीशन के अंदर अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो हम कॉन्ट्रैक्ट को रेप्यूडेट कर देंगे। अ कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन असेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, द ब्रीच ऑफ विच गिव राइज टू द राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रेप्यूडिएटेड, कॉन्ट्रैक्ट ही फाड़ दिया हमने। डी पॉइंट आता है इंडेमनिटी, किसी को बेटे इंडेमनिफाई करना, आपका कोई लॉस होगा टेंशन मतलब मैं हूं, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें इंडेमनिटी का क्लॉज होता है, कोई भी बेटा कॉन्ट्रैक्ट खोलो उसमें इंडेमनिटी का क्लॉज आपको मिल जाएगा। इंडेमनिटी इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन ऑफ वन पार्टी टू कॉम्पनसेट द लॉस इनकर्ड टू द अदर पार्टी ड्यू टू द एक्ट्स ऑफ द इंडेमनिटर और एनी अदर पार्टी, हमने इंडेमनिफाई कर दिया, अगर आपको कोई लॉस होता है इस पर्टिकुलर चीज की वजह से वो लॉस मैं ध्यान रखूंगा, टेंशन मत लो। ई पॉइंट अग्रीमेंट, एवरी प्रॉमिस, पढ़कर आए वापस पढ़ लेना, ठीक है बेटा वापस पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 5, द डिसऑनर ऑफ चेक इज पनिशेबल फॉर अ मैक्सिमम टर्म अप टू, कितने साल के लिए आपको जेल जाना पड़ेगा अगर आपका चेक डिसऑनर हो गया, 2 साल बेटे, क्वेश्चन यही आ सकता है, दो साल का टाइम है। बट इसको थोड़ा सा और आगे जाए, अगर मेरा डिसऑनर हो गया चेक, मेरे साइन मैच नहीं हुए, मेरे हाथ कांप रहे थे बेटा, वो इतनी बड़ी अमाउंट थी तो मेरा साइन मैच नहीं हुआ, उसकी वजह से डिसऑनर हो गया तो मेरे को क्या जेल में डाल देंगे, नहीं। अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, इनसफिशियंट फंड है और आपने चेक किसी को काट के दे दिया और वो डिसऑनर हो गया तब आपको जेल में डाल देंगे, ठीक है? हाँ हम इसको पढ़े,
हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कैसे पढ़ाई करते हैं ना। एज पर सेक्शन 138 द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 डिसऑनर ऑफ अ चेक, बट एक्ट की लैंग्वेज डिसऑनर ऑफ अ चेक फॉर इनसफिशियंसी एक्सेट्रा ऑफ फंड्स द अकाउंट, अकाउंट में पैसे नहीं है। वेयर एनी चेक इज रिटर्न बाय द बैंक अनपेड, बैंक ने कहा भाई पैसे नहीं है, चेक हमारा क्या कहते हैं बाउंस हो गया। ईदर बिकॉज द अमाउंट ऑफ मनी स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ द अकाउंट इज इनसफिशियंट टू ऑनर द चेक, प्लेन इंग्लिश है कि उसके अकाउंट में पैसे नहीं थे, और दैट इट एक्सीड्स द अमाउंट अरेंज टू बी पेड फ्रॉम द अकाउंट बाय एन एग्रीमेंट मेड विद द बैंक। सर हमें ये लाइन समझ में नहीं आई, दैट इट एक्सीड्स द अमाउंट अरेंज टू बी पेड फ्रॉम द अकाउंट ऑफ एन एग्रीमेंट मेड बाय द बैंक। पहले बोला गया उसके अकाउंट में पैसे क्रेडिट साइड में नहीं है, मतलब उसका अकाउंट में बैलेंस नहीं है, और दूसरी साइड में बोला गया अगर किसी इंसान ने बैंक के साथ अरेंजमेंट कर रखी है कि आप मेरे को ओडी दे दो, सीसी दे दो, उसका लोन चल रहा है, उस अरेंजमेंट से मैंने क्या सीसी ले रखी है, 5 करोड़ की कैश क्रेडिट की लिमिट मेरी चल रही है, मेरी ओवरड्राफ्ट चल रहा है। अब मेरी अरेंजमेंट है बैंक के साथ 5 करोड़ के लिए और मैंने चेक काट दिया 6 करोड़ का, तो इसको भी इनसफिशियंसी ऑफ फंड्स बोला जाएगा। सेकंड पॉइंट में वो लिखा हुआ है, मैंने थोड़ा ट्राई किया कि आपको एक्ट थोड़ा सा पढ़ना है ना, इसलिए मैंने थोड़ी पूरी लैंग्वेज पूरी बता दिया। चलो जी आगे बढ़ते हैं। सच पर्सन शैल डीम टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस एंड शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ अ टर्म विच मे एक्सटेंड टू 2 ईयर्स, 2 साल तक आपको जेल में डाल सकते हैं बेटे, और विद अ फाइन विच मे एक्सटेंड टू ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक, और जो आपने चेक काटा था उसका ट्वाइस अमाउंट का आपको फाइन दे सकते हैं। और है बेटा और है, आज हमारा क्या कहते हैं कमर्शियल लॉस का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अब हम लेके चलेंगे आपको साइड की तरफ, हमारी बैंक्स एग्जाम टुडे की साइड पे आपको जाना है, ये एफसीआई एजीएम अकाउंट टेस्ट सीरीज को क्लिक करेंगे, इसके अंदर आपको फुल फ्लेजेड मॉक टेस्ट मिलेंगे, 180 क्वेश्चन है बेटा एक मॉक टेस्ट के अंदर, 120 जो जनरल डिसिप्लिन के हैं, जो जनरल साइड के हैं, जो रमनदीप सर ने बनाए, और रेलिवेंट डिसिप्लिन के 60 क्वेश्चन जो कि मैंने बनाया। इधर हम बाय नाउ पे क्लिक करेंगे और इसको बाय कर लेंगे, ठीक है। हाँ तो आज के लिए इतना ही, आपको कोई डाउट हो आप प्लीज पूछें। बाय बाय, अलविदा।